हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लोग बात करेंगे छह ऐसे वेबसाइट्स का जहां से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दो दिन पहले आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों का बहुत ख़राब रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं किसी समय किसी सब्जेक्ट में कैरी लग गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का अच्छा रिजल्ट आया। तो जिनका ख़राब आया है उनका यह कहना है कि भैया सही टाइम पर नोट्स नहीं मिला और समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बुक्स पढ़े तो निकल जाएगा, टीचर भी उतना सपोर्टिव नहीं है। तो उनके लिए वीडियो है खासकर, क्योंकि ये जो छः साइट्स है यहीं से पढ़ के मैं भी नोट्स बनाता हूँ और जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ यही छः वेबसाइट से पढ़ के मैंने भी बनाया है। ओके, तो आइए देखते हैं वो कौन से छः वेबसाइट्स है जहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स और बुक्स या फिर उसका PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गो। इस लिस्ट में जो सबसे पहला है वो है न्यूटन डेस्क। बहुत प्यारा वेबसाइट से यहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और ये बेसिकली हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड करता है, वैसा कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ से आप डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ पर मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हो। पर ना आप नीचे जैसे ही स्लाइड करोगे तो यहाँ पर देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, इंजीनियरिंग नोट्स। यहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको हटा दो और जैसे आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर नीचे जाओगे तो मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सभी के लिए मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड किया जा सकता है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। अब आते हैं अगला वेबसाइट्स के बारे में। तो दूसरा पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसका जो नाम है वो है ईजी इंजीनियरिंग। ये भी बहुत प्यारा वेबसाइट है, यहाँ से आप बुक बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो कोई भी लेखक का, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये पब्लिकेशन का बुक नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हर एक पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा। जैसे आप इसको ऊपर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देखो सभी के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे केमिकल हो गया, यहाँ पे अगर देखो तो ये मेरा ब्रांच हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये देखो यहाँ पे सिविल हो गया, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सभी ब्रांचेज यहाँ पे है। अब जैसे ही इसको अगर आप ऊपर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, डबल ई हो गया, ट्रिपल ई हो गया, सभी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक ब्रांच के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, तो ये रहा। अब आगे आते हैं। अब बोलेगा कि भैया बुक कैसे हो गया, तो जैसे कि आप इस पर अगर क्लिक करते हो जैसे ही तो यहाँ पे तो देखो सारा बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च इंजन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बुक सर्च करो, आराम से आपको मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं ये कौन सा है। तो सबसे पहले इनको स्लाइड किया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया इंजीनियरिंग बुक्स PDF, इनका नाम है, ठीक है। यहाँ से भी आप बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ जानते हो क्या, कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जाकर बुक सर्च करो, आपको आपके ब्रांच वाइज जाके आपको सर्च करना होगा। जैसे कि मैं आपको ऊपर नीचे स्लाइड करो यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल के लिए मिल गया, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो मैकेनिकल के लिए मिल रहा है, फिर आते हो तो सिविल के लिए मिलेगा, यहाँ पे आओगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए मिल रहा है, फिर यहाँ पे आओगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए मिल रहा है, फिर यहाँ पे ऑटोमोबाइल के लिए मिल रहा है, कम्युनिकेशन के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ये साइट है, यहाँ पे जाकर कोई भी नाम सर्च करो बुक का, नहीं ऐसा नहीं है। सीधे ब्रांच चूज करो और वहाँ से आप अपना स्पेसिफिक बुक डाउनलोड करना स्टार्ट करो और वहाँ से पढ़ो, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा। तो सबसे पहले अब आगे साइड चलते हैं। इस लिस्ट पे जो चौथा स्थान पे है गूगल बुक्स, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक ही डिमांड है कि यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते, चाहे कोई भी बुक हो, जिस बुक के लिए आप पैसा देते हैं अमेजन प्राइम के लिए, किंडल के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे वो कोई भी बुक हो। तो आइए देखते हैं, जो भी गूगल पर रजिस्टर्ड होगा वो बुक का बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे खोलना कैसे है, बस खोले गूगल पर सर्च करना है गूगल बुक्स और यहाँ पे एक आपको क्लिकेबल ऑप्शन दे देगा गूगल बुक्स का, लेकिन यहाँ पे एक जादू देखने को मिलेगा, रुको दिखाता हूँ जादू। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना तो बहुत सारे लोग इसको नहीं देखे होंगे, जैसे आप हमेशा देखते होंगे गूगल सर्च देखते होंगे, फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा गूगल बुक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं सर्च करना, कोई भी वर्ड आप सर्च करो, जैसे कि मेरे दिमाग में कौन सा BPSC आ रहा है, BPSC आ रहा है, क्योंकि बिहार में जनरली लोग BPSC के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ जैसे आप देखो तो BPSC सोल पेपर, ये जितने भी बुक्स हैं, अरे वाह ये बुक मैंने सर्च भी किया हुआ है, अभी देखो ऊपर मिलेगा आपको, नो योर स्टेट बिहार, इसको अगर आप कहीं भी जाओगे ना सर्च करने या फिर खरीदने तो 200 रुपये से कम नहीं देगा। अगर आप गूगल पे जाते हो किंडल के लिए तो किंडल के लिए 199 रुपये देना पड़ता है, और यहाँ जो गूगल का अमेजन का है, लेकिन वही अगर यहाँ पर खरीदने जाओगे गो अमेजन से 208 रुपये में देगा, भाई कौन खरीदने जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो गूगल नो योर स्टेट बिहार, यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तो इसका PDF खुल जाएगा। बस इसका यही डिमेरिट है कि इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि एक बुक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट पेज बाय पेज पढ़ सकते हो, कहाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी है,
अब बात करते हैं इसका पीडीएफ ड्राइव, ये बहुत अच्छा है। जो बुक आपको गूगल बुक्स पे नहीं मिलेगा या फिर न्यूटन डेस्क पे नहीं मिलेगा, वो पीडीएफ ड्राइव पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक जितने भी ऑथर के बुक्स हैं वो सारे इलीगली और लीगली यहाँ पे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो कोई बुक आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स सर्च किया मैंने, ठीक है। जो भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो पक्का इस बुक को तो जरूर देखे होंगे, देखे हो ना, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग हैंडबुक, मटेरियल ऑफ इंजीनियरिंग, जनरली सभी लोग देखे होंगे। जो भी आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना, ये बुक उन्होंने देखा होगा। तो ये देखो 98,000 डाउनलोड है, ऐसे नहीं है, और यहाँ पे सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो लास्ट वाला जो बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो देखो पहले सर्च कर ही देता हूँ, लाइब्रेरी जीनियस, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आने का मतलब आप अपने चॉइस के अनुसार सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि भैया नहीं मेरे को यही पब्लिशर का बुक चाहिए, नहीं भैया हमको इसी ऑथर का बुक चाहिए, नहीं भैया हमको यही टाइटल वाला चाहिए, या फिर इधर नीचे चले जाते हो कि नहीं भैया हमको ये टॉपिक का कॉमिक वाला चाहिए, या फिर ये साइंस साइंटिफिक आर्टिकल वाला बुक चाहिए, या फिर मैगनाइज, ये बहुत स्टैंडर्ड वाला है, इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हाँ थोड़ा पीएचडी वगैरह वो सब में जाएँ, तो वो इस चीज़ को जरूर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये रहा मेरा लास्ट वाला, तो एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या कौन कौन से बुक्स मैंने बोला है, ठीक है। लिस्ट में सबसे पहला है वो है न्यूटन डेस्क, जो कि हैंड रिटन नोट्स के लिए काफ़ी फेमस है। अब दूसरे का बात करते हैं, तो दूसरा है ईजी इंजीनियरिंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे कैसे क्या करना है। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है इंजीनियरिंग बुक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप ऊपर इसको स्लाइड करते हो तो सारे ब्रांचेज के मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी है। अब आगे आते हैं, ये है पीडीएफ ड्राइव, इसके बारे में मैंने बताया कि ये काफ़ी बेस्ट है, ठीक है, इसको भी अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो कोई भी बुक के लिए। अब आगे आते हैं, तो सबसे पहले इनको स्लाइड किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी जीनियस, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है, सॉरी साइट है। यहाँ ये अपग्रेड लेवल का है, अगर आप मान लें पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, कि स्पेसिफिक टाइटल ऑथर इन सभी का चीज़ को सर्च करते हुए फील्ड, देखो यहाँ पे कौन कौन से फील्ड में सर्च कर सकते हो, ये सभी का यूज करते हुए अगर आपको बुक चाहिए तो ये काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। वरना आपका स्टार्ट, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए हो तो आपका स्टार्टिंग में ही काफ़ी बेस्ट है, इतना में हो जाएगा कम्प्लीट, ठीक है। तो यही मैंने 5 बताया, 6 बताया, बाकी आप खुद देख लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, सब चीज़ सही है, हर एक बुक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।